बदल तकदीर राजना ओ फड़ वंजली बदल तकदीर राजना तेरी वंजली ते लगी तेरी वंजली वंजली बदल तकदीर राजना तेरी वंजली ते लगी होई राजना वे माया फड़ वंजली बदल एक तेरे दम पीछे वसदा जहाने आना एक तेरे दम पीछे वसदा जहाने तन मन कीता सा तेथो कुर्बाने तन मन किता सा तेथो कुर्बाने ओ सच्चे प्यार दे गवा पंज पीर राजना तेरी वंजली ते तेरी वंजली ते लगी होई ही राजना वे माया फड़ वंजली बदल मुलाजिम हुसैन नाजरीन पाकिस्तान की आन बान और शान और ये अल्फाज मैंने इनके लिए इसलिए चुने हैं कि पाक भारत क्रिकेट के मैच की तरह पूरी दुनिया हमेशा जंग की तरह देखती रही। एक और प्रोग्राम हुआ करता था सुरुख क्षेत्र के नाम से और भारतीय प्रोडक्शन थी, इंडिया में भी बड़ा मकबूल था और पाकिस्तान में भी उतना ही मकबूल था क्योंकि मुलाजिम हुसैन वहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। 2012 में ये जंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो इन्होंने मकाम पाया हमारे दिलों में, लोग खास तौर पर मुलाजिम की परफॉर्मेंस के लिए शो में ट्यून इन करते थे। वेलकम टू द शो मुलाजिम, और आपके साथ आपके गिटारिस्ट भी मौजूद हैं, रावल खान फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मुलाजिम, आपने वक्त निकाला और हम वी हैव बीन योर फैंस। मतलब पहली दफा आपकी परफॉर्मेंस मैंने उस पर देखी, मैंने कहा ये कौन है भाई और इसको यहाँ से वहां ले जाना, मुलाजिम हुसैन पता चला कि ये मुलाजिम हुसैन है, ये तो यहाँ पर भी मुलाजिम हुसैन होना चाहिए था। थोड़ा सा अपने म्यूजिक के सफर का बैकग्राउंड जरा बताएं ना, कहाँ से शुरू किया, किस तरीके से फिर आप प्रोग्रेस करते करते और वहां कैसे पहुंचे? बस जिंदगी का सफर यही है, सब म्यूजिक वाले ये कहते हैं 8 साल की उम्र से शुरू की है। सच्ची में वाकई मैंने 8 साल की उम्र से शुरू की है, ये सच्ची बात है। हाँ, मैंने मेरे उस्ताद जी, मेरे चाचा से मैंने म्यूजिक सीखा, असलम परवेज उनका नाम है मेरे उस्ताद जी का। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे उन्होंने हारमोनियम की प्रैक्टिस से स्टार्ट मेरा करवाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गाने लगा। बस फिर अचानक से मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, अच्छा F7 में। अच्छा, बस मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला गया वहाँ पे, जाके ऑडिशन दिया। रुस्तम जी बैठे हुए थे वहाँ पे और आसिफ भाई बैठे हुए थे वहाँ पे, मैंने उनको ऑडिशन दिया अपना। उन्होंने कहा कि आपका फाइनल ऑडिशन लाहौर में है, आप हमारे सिलेक्ट हो हमारी टीम में। मैं लाहौर चला गया और मज़े की बात यह कि सबसे पहले जो कंटेस्टेंट था ना वहाँ पे बैठा हुआ, वो सबसे पहले मैं आया था वहाँ पे। अच्छा,
सुबह का 6 बजे का टाइम था सुबह। तो जब मेरी बारी आई तो तकरीबन 3 बज चुके थे रात के। गला काम कर रहा था? गला किधर काम कर रहा था, बस नींद थी आंखों में। अल्लाह को याद किया, लाइन में खड़ा हो गया बस। और आतिफ ने माशाल्लाह, वो समझदार है, अल्लाह ताला का उस पर बड़ा कर्म है और कर्म वाले लोग हैं वो, मुझे कहा ये लड़का इसमें कुछ बात है, गला इसका बैठा हुआ है, लेकिन हम तुम्हें सिलेक्ट करते हैं भाई चांस के ऊपर। सही है। अच्छा, उन्होंने मुझे चांस पे सिलेक्ट किया था। सो फिर 9 लड़के ऑलरेडी दुबई पहुंच गए थे, एक लड़के का कुछ इशू हो गया था, वीजा शीजा नहीं लग रहा था उसका, तो मैं मुझे चांस पे भेजा था वहाँ पे। और फिर आपके सामने तो चांस आपने ऐसा लिया, दूसरे नंबर पे बिल्कुल कमाल आपने गाया वहाँ पे, बड़े बड़े लोग आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशंस देते रहे। बस जी, बस अल्लाह की मेहरबानी सारी। आपकी अपनी इंस्पिरेशन जो है वो कौन है म्यूजिक के हवाले से, और क्या ऐसी चीजें जो आप कहते हैं कि ये इसको मैं कहूँ तो ये मेरा खासा है? देखिये जी, ये जो दौर अभी चल रहा है ना, उसी दौर के हिसाब से तो समझ लो कि बड़ी ख्वाहिशात है इंसान की जिंदगी में ना, म्यूजिक उस तरह का नहीं हो रहा, अगर आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे मैडम नूर जहान जी, खासा मेहदी हसन साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, अब म्यूजिक कुछ और तरफ जा रहा है, वेस्टर्न की तरफ जा रहा है ज्यादा, या फ्यूजन भी कहते हैं। हाँ, फ्यूजन जहर है, हर वक्त का हम अपने म्यूजिक को छोड़ के दूसरों को म्यूजिक को हम फॉलो कर रहे हैं ज्यादा, हमारे में ये थोड़ा प्रॉब्लम है बस। अच्छा, रावलपिंडी में इतनी गहरी और इतनी पक्की आवाज कहाँ से पैदा हो गई, लोग ये भी सवाल करते हैं। अदरवाइज कहा जाता है ना फैसलाबाद के वो खानदान है सारे जो मतलब जो गाने में महारत रखते हैं, तो ये रावलपिंडी और आपका ताल्लुक और फिर गाने से आपका जोड़ना, ये जरा कोई है इसमें कनेक्शन या अल्लाह की देन है? बस ये अल्लाह की देन भी है, और जो मेरी पैदाइश है वो फैसलाबाद की है। चलो बस, मेरा जन्म फैसलाबाद में हुआ है। हाँ, तो बात खत्म हो गई, तो जुगतों की तरफ आना चाहिए था। जुगत लगा दूं फिर? लगा दे। लेकिन जुगत मुश्किल वाली लगाना, वरना मेरे लिए ऊपर जुगत लगाना बहुत आसान से है कि मेरे सर पे जुगत लगा दें। आप आसान काम ना करें, करना है तो मेरे भाई इतने चमकदार लग रहे हैं जैसे गोल्डन सेब नहीं चमकता। मैं मान पड़ गई हूं, ये कह दें आप जी। क्योंकि ये बड़ा आसान होता है ना कि आपने देखा किसी का कोई जुगत ऐसी आनी चाहिए कि जो के लोग भी कहें। मुझे ऐसा लग रहा है आपने गाजर पहनी हुई है। गाजर, चलो ठीक है, सही बात है, ठीक है। नहीं तो ये तो चकंदर की तरह ज्यादा है रंग, गाजर तो जरा वो कच्चा सा होता है। हाँ, चकंदर भी, गाजर चुकंदर की तरह लग रहे हैं आप, और वैसे बहुत प्यारे लगते हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू, गुड पर्सनालिटी। गाने की तरफ आए ना? जी, गाने की तरफ। पहला तो आपने जी जी शेर सुनाया जी, कमाल, जबरदस्त, बहुत आला जी। अब कुछ और सुनते हैं फिर बात करेंगे। क्या सुनना चाहेंगे आप बताएं, कि कोई जो आपके दिल के करीब हो, जितने बड़े बड़े आपने सिंगर्स। अच्छा, उसके बाद ये भी नाज़रीन को बताएं कि कोक स्टूडियो में भी इनके बड़े जी जी। भारी भरकम किस्म के गाने हैं, ये नहीं सिर्फ वहीं पे काम इन्होंने किया, पाकिस्तान में भी भरपूर काम किया। बताइए कौन सा? मलका इत्रनम नूर जहान जी का एक प्यारा सा सॉन्ग है, कोशिश करूंगा उन तक तो पहुंचना। नहीं नहीं, वो तो फिर हमारे बस की बात नहीं है, वो तो बिल्कुल। हाँ, वो स्पेशल लोग हैं, छोटा सा नमूना उसका हो जाए ताकि हम कुछ और मजीद भी दो तीन चीजें सुन लेंगे ना आपसे। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने बागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं,
शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। चांद निकला है तुझे ढूंढने बाद की तरह। रात फैली वाह 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 है तेरे इश्क ते आतिश डूही बराबर। हाँ इश्क ते आतिश डूही बराबर। ओवती इश्क दाता तिखेरा ओवला ओ मिया आतिश साड़े कक ते कनेड़ा। आते इश्क साड़े दिल जेड़ा आतिश नू आतिश नू पानी बुझावे। ते दसो इश्क दा दारू केड़ा आके गुलाम फरीदा उते कुछ नी बचदा जेड़ा। ओ जिथे इश्क ने ला लिया डेरा ओ ला ओ मिया। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दया दया छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। छेती बौड़ी वे थे ओ छेती बौड़ी वे थे छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दया दया छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। छेती बौड़ी वे थे ओ छेती बौड़ी वे थे छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया। इस इश्क दी जंगी इस इश्क दी जंगी मोला 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 इस इश्क दी जंगी विच मार बुलेंदा सानू की बिलात गवा सोना यार डिसिंदा सानू की बिलात गवा सोना यार डिसिंदा। जाम मारी है अड्डी जाम मारी है अड्डी जाम मारी है अड्डी गुण भी अगे वगैया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं था मैं मर गया। जबरदस्त कमाल वाकई मर गया वाह 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 कमाल। मुलाजिम हुसैन आजकल क्या कर रहे हैं और आप अपनी शोहरत की बुलंदियों में पहुंचने के बाद रावलपिंडी से छोड़ के नहीं आप निकले आगे वजह? देखे जहां बंदे का बचपन गुजरा हो अपने लोग हो वो जगह तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। बड़ी दफा मैंने सोचा भी कि लाहौर शिफ्ट हो जाऊं या कराची चला जाऊं लेकिन नहीं अपने फैमिली माँ बाप बहन भाई सब इकट्ठे रहते हैं तो इसमें ज्यादा मजा है। बिल्कुल सही है और ये जो ये जिंदगी है और जो मिले ना मिलना तो वो होता है ना कि काम आपको कहीं पर भी मिल जाता है जो भी मिले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए अल्लाह ताला का जितना भी है जैसा भी है उसमें खुश रहना चाहिए। बिल्कुल और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। सर हमने आपको बुलाया हमारे लिए एजाज की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए चार चांद लगाए आपने भी रावल भाई बड़ा जबरदस्त गिटार बजाया और हम आपको फिर बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह जरूर क्यों नहीं ये रंग जमता रहे। बिल्कुल थैंक यू जी बहुत शुक्रिया थैंक यू राजीव हुसैन साहब रावल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।